नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत उत्तराखंड की खबरों के साथ, और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, तमाम जगहों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 7 फेसेस में चुनाव होने की बात सामने आई, और उसी के साथ ही उत्तराखंड में भी 19 तारीख को जो है वोटिंग होगी, मतदान होगा। लोकसभा के लिए उत्तराखंड में जो मतदान है 19 तारीख को होगा, 19 अप्रैल को। आपको बता दें, सभी तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 चरणों में, 7 फेसेस में चुनाव होंगे। 19 तारीख अलग अलग राज्यों में जहां वोटिंग होगी। देखिए, पूरा जो डेट चार्ट है वो जारी हो चुका है, और उसमें उत्तराखंड के लिए जो चुनाव होने हैं वो होंगे 19 अप्रैल को। किस तरह की तैयारियां राजनीतिक दलों की, क्योंकि अब प्रचार प्रसार नहीं हो सकेगा, अब घोषणाएं नहीं हो सकेंगी, अब वादे नहीं हो सकेंगे, घर घर प्रचार हो सकेगा। चलिए और जान लेते हैं। सोनू हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे और हम जान लेंगे। सोनू, तारीखों का ऐलान, चुनावी दल तमाम अपनी तैयारियां और तेज कर चुके हैं, और साथ ही चुनाव आयोग की भी अपनी तैयारियां तेज हो गई हैं। क्या कुछ वहां पर तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, और 19 अप्रैल का दिन दिया गया है, क्योंकि तारीखों को लेकर बहुत सारी जो चर्चाएं हैं वो हो रही थी विपक्षी दलों की तरफ से। क्या कुछ वहां बयान भी हुए राजनीतिक दलों की तरफ से, और तैयारियां? देखिए, सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो चुनावों का जो संघनाद हुआ है, इसके लिए वो पहले से ही तैयारी में जुटे हुए थे और लगातार तैयारी की जा रही है। अगर हम विपक्षी पार्टी की बात करें तो विपक्षी पार्टी के अभी 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकी है, 2 पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड की राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, और इसके साथ साथ अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, और बीजेपी के जो 5 प्रत्याशी 5 लोकसभा क्षेत्रों के, वो अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है, तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है, इसके अलावा जो कर विभाग है, ये सभी जो संबंधित विभाग हैं, विभागों से समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है, और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उनका भी अनुपालन कराया जाएगा, और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और ये भी फोकस रहेगा निर्वाचन आयोग का कि जो मतदान प्रतिशत है उस पर, उसको बढ़ाने पर फोकस किया जाए। तो आयोग के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है, पार्टियों के स्तर पर भी तैयारी की जा रही है, और खास तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को इस पर फोकस किया जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, जो 19 तारीख का दिन होगा, और उस दिन शांतिपूर्ण ढंग से उत्तराखंड में मतदान होगा, और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इस पर लगातार फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल, उत्तराखंड में शांतिपूर्ण मतदान हो, और आपने कहा अभी तक उम्मीदवार भी पूरी तरीके से सामने नहीं आए हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी तैयारियां तेज की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद, चूंकि अब समय कम है और उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होगा, तब जाके उन्हें तैयारियों का समय मिलेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर वो अपना जो वोटर है उसके साथ जाकर वो बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उनकी समस्याएं जान सकते हैं, लेकिन समय अब इतना है नहीं, और अभी भी ऐलान पूरे नहीं हो पाए हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रत्याशी को मतदाताओं के बीच में पहुंचने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए तमाम कार्यक्रम होते हैं, रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, और घर घर जाकर के मतदाताओं से जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं वो अपील करते हैं। तो ऐसे में अगर हम इस रणनीति पर गौर करें तो जो बीजेपी है उसने हम कह सकते हैं कि बाजी मार ली है इतिहास से, कि चुनाव आचार संहिता की लागू होने से पहले ही बीजेपी ने अपने सभी 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस अभी 2 लोकसभा सीट पर फाइनल नहीं कर पाई। तो जब प्रत्याशियों के नाम घोषित होंगे तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जो प्रत्याशी हैं उनको उतना समय नहीं मिल पाएगा, और जब समय नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक चुनौती भी बढ़ जाती है, और ये चुनौती बढ़ेगी तो इसका खामियाजा जो मतदान है उसमें पार्टी के उस प्रत्याशी को भुगतना होता है। जब ये आकलन होता है कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ और
कमी कहाँ पर रही है, जब समीक्षा की जाती है मतदान के बाद पार्टी स्तर पर, तो कहीं ना कहीं ये जो रणनीति बनाने में जो मजबूती होनी चाहिए थी कांग्रेस की, शायद उसमें कमी रह गई है। और यही वजह है कि 2 सीटों पर कांग्रेस अभी तक नाम फाइनलाइज कर पाई है, और ऐसे में जो पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी ये हो सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, अब किस तरह से प्रत्याशी जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाते हैं। मैं लौटूंगी सोनू अगली खबर पर, आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए 19 अप्रैल का दिन, 5 लोकसभा सीटें जिन पर वोटिंग होगी। कांग्रेस ने अभी 2 सीटें जहां पर घोषणा नहीं की है, और इसलिए कांग्रेस की तैयारियों में थोड़ी कमी जरूर नजर आती है।